क्यों खोई खोई रहती हो, क्यों रात को जागा करती हो, क्यों गहरी सांसें लेती हो, क्यों ठंडी आहें भरती हो, आंखें मिला के बात करो क्यों, नजरें चुराया करती हो, इन हेली जैसी आंखों से मेरे हर हर दुखरती हो, ये कहते हुए क्यों डरती हो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आज हम लोग की शादी को 23 साल हो गए, लेकिन उस वक्त धर्म एक बहुत 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 बड़ा मुद्दा था। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रेखा खान, ये है गालिब असद भोपाली, मेरे शौहर साहब, मेरे पति देव। स्कूल में मिले थे हम लोग पहली बार, आप 9th में थे, मैं 8th में थी, और उस वक्त एक पोइट्री की एक कविता का एक पार्ट चल रहा था और मैं गा रही थी, और इन्होंने लाइब्रेरी के बाहर से मेरी आवाज़ सुनी, मन तो लूटा मौसम ने कर और मेरा ले नाम तुम। तो जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि ये आवाज़ मुझे दोबारा सुननी है और हमेशा सुनते रहना, तो मैंने इनको नोटिस कैसे कराया जाए इसके लिए मैंने सबसे पहले उस वक्त जो समझ में आया, मैंने कहा यहाँ से चलते हैं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, उसके बाद मतलब मैं इनके पीछे लग गया, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये सामने से पहल तो होने वाली नहीं है, मुझे पहल करना पड़ेगी, तो मैंने पोइट्री लिख के दी जो मैंने कहा कि ये किसी तरह से पहुँचा दो। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि दोस्त के हाथ से तो भिजवाया, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि दोस्त कर रहा था दीदी 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 दीदी, मैंने कहा क्या दीदी दीदी, वो मेरा दोस्त है ना, वो लेटर आपको, ये मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आती है, एक तो तुम दीदी बोल रहे हो और दीदी के लिए लेटर लेके आते हो। हमारी कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है तब जब मेरी बड़ी सिस्टर जो थी उनका स्कूल में एडमिशन हुआ और उनकी सेम क्लास में, वो बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट था। इनकी सिस्टर से मेरी दोस्ती हो गई, काफी दोस्ती हुई, 6 महीने हो गए। इनकी जब डायरी जो है वो मेरी सिस्टर के पास मैंने देखी तो मैंने उसमें एक शेर लिख दिया जानबूझ के, वो मतलब मेरा शेर इन तक पहुंच गया अल्टीमेटली, और नतीजा ये हुआ कि उस वो शायरी का आदान प्रदान शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने तकरीबन 5 साल तक तो ये हमारा जो प्यार का सिलसिला था, जो शेर व शायरी का सिलसिला था, ये सिलसिला चलता रहा। उस डायरी से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी मुझे पसंद करती है। लड़कों के लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि लड़की कौन से धर्म से या कौन से मजहब से आ रही है, लेकिन मेरे लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ थी, और इसलिए बड़ी चीज़ थी कि मेरे पिताजी नहीं थे, हमारे गढ़वाली समाज में इस तरह की शादी कभी हुई नहीं थी, तो इन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि हमारे बीच में जो है जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारा धर्म है, जो कि हमारे घर वालों को और हमारी फैमिली को मतलब तकलीफ दे सकता है, तो एक काम करेंगे कि हम लोग बबलू, प्रभात और वनीता, इन तीनों की शादी तक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। किसी लड़की के लिए ये सुनना कि कोई उसके लिए अपनी एक आधी उम्र इंतज़ार में निकाल सकता है, मतलब तो वहाँ से फिर आप है ना एक एक इंटरनली एक दिल से और एक रूह से भी आप जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में प्यार के तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी दीवारें होती हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि सबसे बड़ी दीवार होती है वो धर्म की होती है। शायद मैं कहीं मन में ये तैयार भी था कि कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा मैं हिंदू हूँ। मैं मतलब मुझे कुछ श्लोक याद थे, मुझे गायत्री मंत्र याद था, तो मैं पूरी तैयारी के साथ कि कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं तो मतलब मैं मुझे कोई इशू नहीं था उस बात के लिए। मुझे लगता है कि जैसे एक स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक निर्णायक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट आया जब गालिब ने घर में सबके सामने कहा कि भाई मैं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, मैं जनेऊ धारण करने के लिए तैयार हूँ, मैं गालिब से गोपाल बनने को तैयार हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मुसलमान लड़का रिश्ता लेने आया है और वो अपने प्यार को पाने के लिए, उसकी फैमिली को मनाने के लिए मतलब इस हद तक मतलब जा सकता है। हाँ, और तब मुझे ये समझ में आया कि उनके लिए मुद्दा धर्म परिवर्तन था ही नहीं, उनके लिए अपनी बहन की खुशी, बहन की सिक्योरिटीज और जैसे कहना चाहिए कि सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती थी। तो हमने कहा कि नहीं, हमने उसके लिए पता किया, हमें पता है कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें हम ऐसी शादी कर सकते हैं। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, कोई फेरे की ज़रूरत नहीं है, हम निकाह करेंगे। तो वो एक निकाह हमने किया, एक कोर्ट मैरिज की, और मैंने ये बता के रखा कि मेरे हाथ में, मतलब मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि मेरे हाथ में 2-3 शादियाँ हैं, तो मैंने कहा था कि मैं 2 शादियाँ तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, 2-3 शादियाँ हैं मेरे भी। हाँ, तो तीसरी शादी हम लोग करने वाले हैं, अभी वो बाकी है हमारी तीसरी शादी। इंशाल्लाह हम अपनी शादी की 25वीं साल पे मतलब
फेरे लेकर के बिल्कुल उस मतलब तीसरी शादी भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि गालिब ने मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट किया। पहला स्टेप ये था कि मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है और मैं और गालिब बिंदी लगाने को एक मेकअप का एक टूल मानते हैं, जैसे हम लिपस्टिक या काजल लगाते हैं। जितनी मैंने बचपन से जितनी स्केचेस बनाई हैं जिसमें इनकी तस्वीर नहीं, मतलब बिंदी नहीं भी होती थी, तो मैं बिंदी लगाया करता था। तो जो बिंदी मैं खुद लगाता था वो बिंदी मेरे लिए, तो गालिब ने जो मेरा जो शादी का सामान आया, जब मेरा ड्रेस आया, तो उसमें मेरे लिए 7 बिंदियों के पैकेट भेजे थे। मैंने रेखा से प्यार किया था तो मुझे रेखा ही चाहिए थी, मुझे कोई दूसरी मत, मैं रेखा को कुछ और बना के अपने घर में या किसी और से शादी करने का मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने रेखा से प्यार किया था, उसी हालत में उस रेखा को मैं हमेशा चाहता था अपने साथ। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, जहाँ से मुझे लगा कि ज़िंदगी अच्छी है, ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, या मैं अपने अल्लाह पे मेरा यकीन हुआ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वो तेरे मिलने के बाद हुआ। तो बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये यकीन है कि ये जानती है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। खानू, मैं भी आपसे बहुत मतलब बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। और मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि मतलब मैं जो कुछ हूँ एक्चुअली में, उसके होने में आप ही हैं। तो मतलब मैं ऐसी हूँ। आई लव यू।